साइकिल चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, और इलेक्ट्रिक साइकिल की किट की अनबॉक्सिंग मैंने पहले ही कर चुका है। जो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और आप चैनल के अंदर भी जाके देख सकते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रिक साइकिल बना के दिखाने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक साइकिल बनाने के लिए हमें मोटर और कौन सी चीज़ की कैसी कैसी फिटिंग होती है मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम साइकिल को पलट लेंगे। साइकिल को पलटने के बाद एक्सल का दो नट जो है हम खोल लेंगे। नट खोलने से पहले हम चेन निकालने से पहले जो है चेन को निकाल लेंगे ताकि आसानी हो, और खोलने के बाद जो है चक्के को बाहर निकालेंगे। तो हमारा चक्का जो है बाहर निकल चुका है। तो चेन चाबी को साइड में रखेंगे और हमारा जो कंपनी का दिया हुआ एक्सल है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे साइकिल में ही एक्सल बड़ा है तो उसी को लगा देंगे। आप लगा सकते हैं। और एक्सल को फिट करने के लिए हमें जो फिटिंग करने वाला वो आता है उसे फिट करेंगे। हल्का जो है टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद कुछ अच्छी तरीके से घूमता है या नहीं वो भी चेक कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है जाम चलता है तो उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा साइकिल जाम हो गया तो लंबा जो है वो नहीं देगा। तो ऊपर फ्री व्हील अटैच करेंगे। हमारा जो किट के साथ आया हुआ है फ्री व्हील उसको अटैच करेंगे। अटैच होने के बाद हम घुमा के देखेंगे तो एकदम प्रॉपर तरीके से जो है वर्क कर रहा है। तो हमें लगाने के बाद जो है हमें इसमें नट लगाना होगा, क्योंकि जो हमारे पहिया जो है उसके अंदर जाएगा साइकिल के, तो उसको फिट करने के लिए नट होना ज़रूरी है। तो नट को प्रॉपर तरीके से टाइट कर लेंगे। नट को टाइट करने के बाद हमें एक और वार्सल को रख लेंगे, क्योंकि हमारा जो पुग नहीं रहा है वो खाली जगह जो है वो भर जाना चाहिए और कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए। और हो जाने के बाद हम चेन लगा के जो है साइकिल को फिट कर देंगे। साइकिल में फिट होने के बाद कुछ इस तरीके से हम चेन अपना छोटा चेन के हिसाब से चेक करेंगे मोटर कहाँ पे अटैच करना ठीक रहेगा। तो मोटर अटैच करने के लिए हमने मोटर माउंट और किट के साथ आया हुआ है कुछ स्क्रू जो उसमें आसानी से फिट हो जाएगा, तो उसको टाइट कर लेंगे। तो प्रॉपर तरीके से टाइट करेंगे, हल्का भी लूज ना हो, क्योंकि ये पूरा वेस्ट जो है
मोटर का यही संभालता है, तो ये जो है एकदम टाइट होना चाहिए प्रॉपर। प्रॉपर टाइट होने के बाद हम मोटर को फ्रेम में फिट करेंगे। फ्रेम में फिट करने के बाद पहले चैन को लगाएंगे, चैन कहाँ पे फिट आ रहा है उसके आधार से लगाएंगे। तो नट को हल्का कस लेंगे क्योंकि जो है माउंट जो है हल्का अड़ा रहे। तो कसने के बाद हम जो है स्क्रू और क्लिप को लेंगे और फिट करेंगे। इसे फिट करने के लिए 10 नंबर का रिंच लगता है, तो रिंच से जो है एकदम मज़ा से टाइट करेंगे। तो फिट होने के बाद हमारा जो है हमें कुछ काम पड़ गया तो इसलिए बाहर जाना पड़ा, तो ऐसे ही फिट हो गया। फिट होने के बाद जो है हम इस बॉक्स को भी फिट कर लिए हैं क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारा जो है वीडियो जल्दी ही ख़त्म हो जाए और आपका मेन मेन पॉइंट जो है बताते चलेंगे। तो बॉक्स आप अपने साइज से फिट कर सकते हैं। हमने बैटरी भी उसे 12 वोल्ट का जो है फिट कर लिया है। 12-12 वोल्ट का दो बैटरी यानी 24 वोल्ट बनाए हैं। 24 वोल्ट बनाने के बाद हमारा 24 वोल्ट पे वर्क करेगा, तो आप दो बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बॉक्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं, आप पीछे भी बॉक्स बना के रख सकते हैं, आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब जो है हम हैंडल में एक्सीलेटर और ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के लिए हम एलंकी का इसमें प्रयोग होता है, तो एलंकी को खोलेंगे और पुराना वाला जो है निकाल लेंगे। ब्रेक को खोलने के बाद जो है कुछ इस तरीके से होता है, तो इसे हम निकाल लेंगे और अपना जो इलेक्ट्रिक का ब्रेक है उसको लगाएंगे। इसमें इस ब्रेक में और हमारा जो नॉर्मल साइकिल का ब्रेक आता है उसमें फ़र्क होता है। इसमें जो है वायर लगे होते हैं जिसकी वजह से जो है वायर मोटर को कंट्रोल करता है। हम प्रॉपर तरीके से जो है ब्रेक को टाइट कर लेंगे और ब्रेक टाइट होने के बाद हम ब्रेक को वायर को लगाएंगे। कुछ इस तरीके से जो है हमारा ब्रेक वायर जो है लग जाएगा, आपको आसानी से लग जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ब्रेक जो है अच्छी तरीके से लग रहा है या नहीं, तो इसे भी ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेक लूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरफ से लगाने के बाद इस तरफ को हम लोग भी दाहिने तरफ का जो है उसे भी खोल लेंगे और खोल के निकाल लेंगे। निकालने के बाद दाहिने का ब्रेक भी लगाएंगे।
तो दाहिने का ब्रेक लगाते हुए भी एक्सीलेटर को भी इसमें फिट कर देंगे। फिटिंग करने के लिए हमें जो है एक्सीलेटर को फिट करने के लिए हमें एलेंकी चाहिए, ज़रूरत होगी। एलेंकी को हम इस तरीके से लगा देंगे और जो ब्रेक और एक्सीलेटर का पॉइंट है उसे हम इस तरीके से रखेंगे जो है कि एक्सीलेटर और ब्रेक जो है आसानी से आ जाए, ना कि दूर हो जाए और ब्रेक मारने में दिक्कत पड़े। उसी तरीके से सेट कीजिएगा। तो अच्छी तरीके से हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद हम इस तरीके इस तरफ का वायर का भी लगा लेंगे। इस तरीके के ब्रेक को लगाने के बाद हमारा एक्सीलेटर भी लग चुका है, तो हम वायर को सिक्योर करेंगे। वायर को कुछ इस तरीके से जो है हम सिक्योर कर लेंगे। और मैंने बॉक्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जो आप भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपना तरीका भी लगा सकते हैं, क्योंकि वायर बड़ा दिया होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमें बॉक्स पीछे भी रख सकते हैं और आगे भी रख सकते हैं। और हम हेडलाइट को लगाएंगे। हमारा जो हेडलाइट है वो बीच में नहीं आ रहा है, तो हम साइड में लगाएंगे। और साइड के साथ साथ अगर आप आगे भी लगाना चाहते हैं तो आपको जो हेडलाइट का एक बेस बनाना पड़ेगा, तो उससे भी आप लगा सकते हैं। तो हमें इस तरीके से लगा देना है। और लगाने के बाद हम इस तार को जो है बॉक्स में छिड़ा देंगे। तो आपको इस पार्ट में दिखाया कि कैसे मोटर फिट होता है, कैसे आपका टोटल फिट होता है और कैसे बैटरी लगाते हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो दूसरे पार्ट में हम दिखाएंगे इसके पूरे जो है कनेक्शन, और कनेक्शन दिखाने के बाद हम उस पार्ट में हम आपको पूरा चेक करके भी दिखाएंगे और बताएंगे कैसी रिस्पॉन्स है, कैसी हमारी साइकिल चलती है, सब कुछ डिटेल दूसरे पार्ट में आएगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।